नमस्कार दोस्तों, आज के इस विजडम विद जेजे शो में मेरे साथ लाइफ के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर और मोटिवेटर मेरे पापा हैं, और इनसे हम आज जानेंगे कि 72-73 इयर्स की एज का जो निचोड़ है, उनके लाइफ की जो लर्निंग है वो क्या है। पापा, वेलकम टू दी शो। और आज बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे जैसे युवा हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि आप इन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं जो आपने थ्रू आउट द लाइफ फॉलो किए हैं। मेहनत करो, अच्छा और भाषा अच्छी रखो, सबसे प्रेम से बोलो, और कोई भी ये हो, तुम्हारा कोई भी संकट आए तो डरना नहीं। मेहनत करो, आपकी लैंग्वेज अच्छी रखो और डरो मत। डोंट फियर फ्रॉम योर फेलियर। एंड आप अपने जो 72 इयर्स की जर्नी है, उससे आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस पर रोशनी डालना पसंद करोगे जो आपको, जिसमें आपने ये तीनों चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट किया हो और उससे आपको सक्सेस भी मिली हो? हम 68 के अंदर कॉलेज से उठे और पिताजी ने हमारे बोला कि आप दुकान पे आ जाओ और अपना खानदानी धंधा देखो। तो हम दुकान पे गए तो हमारे अड़द प्रजा थी, हमारी अड़द की दुकान थी, तो हमारे वहाँ किसान लोग बहुत कम माल लाते थे लिमिट में। तो हम ऑक्शन में खड़े रहे तो वहाँ हमको ऐसे ही जेब सरीका लगता था, शर्म आती थी हमको कि यार अपने वहाँ तो कुछ माल आता ही नहीं, क्या करना फिर इसके लिए। तो हमने विचार करा सब कि अपने जो किसान थे उनसे हमने पूछा, भाई हमारे वहाँ क्यों नहीं आते? तो वो उन्होंने बोला हमको कि आप संपर्क नहीं है, बोले। तो हमने गांव के किसानों से दोस्ती करी, वहाँ के सरपंच से दोस्ती करी, और तो फिर हम वहाँ गए और हर शनिवार, रविवार और सोमवार को 3 दिन जाते थे हम। तो एक एक गांव में जाते थे हम, आदिवासी को मिलते थे, तो उससे हमारे वहाँ पे सब पहचान हो। हमने बहुत मेहनत करी और किसानों के वहाँ रूबरू जाके मिले, सबको रिक्वेस्ट करा कि हमारे वहाँ माल लाओ, ऐसा है वैसा है, माल हम अच्छा भाव से बेचेंगे। तो फिर उनको विश्वास आया हमारे बात का, तो फिर हमारे वहाँ सब लोग धीरे धीरे आने लग गए। पर एक टाइम ऐसा आया कि 400-400 बोरे आने लग गए हमारे वहाँ पे। तो हमारे जो दलाल भाई थे उन्होंने सब बोला कि तुम्हारे वहीं पर बारिश हो रही क्या? तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारी मेहनत करी तो उसका फल मिला हमको। तो आप कितने गांव और कितने छोटे छोटे, जो आप बोले सरपंच वगैरह से मिलते थे शनिवार, रविवार और सोमवार, तो ऐसे कितनी जगह पर आप घूमे होंगे अंदाज? हम बहुत जगहों घूमे, यानी कम से कम 150 गांव के अंदर घूमे। 150 गांव आप पर्सनली घूमे हो? और कैसे जाते थे आप इन गांवों में? बैलगाड़ी पे जाते थे, पहले बस से जाए और बस से जाने के बाद में फिर गांव में, गांव से बैलगाड़ी पे जाते थे हम। तो पूरे पहाड़ पहाड़ में आदिवासी को मिलते थे, उनके झोपड़े देखे, एक का घर कैसा रहता था, दूसरे का घर कैसा रहता था, सब अपने अपने खेत में झोपड़े थे उनके। तो हम मिले उनके से, वो सब हमारे वहाँ आने लग गए थे। मोर फीट ऑन द स्ट्रीट, दिस इज द मैसेज गाइस। 150 विलेजेस these people have visited, my father, my uncle have visited personally with the mediums like belgadi, like walking, like taking buses and 3 days away from home in a week. And this is the crux. He has implemented honesty, he has implemented better communication, and he has implemented never give up attitude in his life. Bahut bahut dhanyawad aapka, aap hamare is show mein aaye aur aap hazaron logon tak aapki baaton ko pahunchaya.